हाँ जी बच्चों, आज हम चैप्टर फोर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर फोर है क्या? इनसाइड इनटू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। मतलब इस चैप्टर में आपको वो पढ़ने को मिलेगा कि आपका जो प्रोग्राम है वो किस किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है। हमने छोटे छोटे प्रोग्राम थोड़े थोड़ा पढ़ा कि अगर आपको कोई ऐड करने का या नॉर्मल ऐसे कोई बेसिक बेसिक से प्रोग्राम अगर आपको बनाने हो तो आपको उसमें किस तरीके से प्रोग्राम वो एग्जीक्यूट होगा, पहले क्या होगा, क्या होगा, कौन से किसको क्या कहते हैं, वो सारी टर्मिनोलॉजी थोड़ी थोड़ी ऑल्दो हम लोग सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं जो हमने प्रोग्राम बनाया था उसके साथ, बट बताती हूँ मैं आपको क्या दिया हुआ है। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है दिया हुआ है बेसिक फ्लो ऑफ कंपाइलेशन। कंपाइलेशन का मतलब है कि आपका प्रोग्राम जो चल रहा है रन कर, मतलब जब हमारा प्रोग्राम हमने लिख दिया उसके बाद जब इंटरप्रेटर उसको चेक कर रहा है, कंपाइलर उसको चेक कर रहा है, तो वो जो प्रोसेस है वो है कंपाइलेशन प्रोसेस। इसके अंदर आपको दो टर्म्स सुनने को मिलेंगे, फर्स्ट है सोर्स कोड और दूसरा होता है मशीन कोड। सोर्स कोड का मतलब क्या होता है? जब आपने कोई भी प्रोग्राम लिखा, जैसे मान लो मैंने क्या करा, मैंने ये पाइथन की स्क्रीन खोली, इस पे कोई भी कोड लिखा ऐड करने, तो ये जो कोड आप लिख रहे हो, जो आप पाइथन का कोड आप लिख रहे हो, दैट इज कॉल्ड व्हाट? सोर्स कोड। ठीक है, ये जो पाइथन का कोड आपने पाइथन की स्क्रीन पर उसको चलाने के लिए रन करने के लिए लिखा है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? सोर्स कोड। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हमारे पास दो टर्म्स आएंगी, मैंने आपको एक चैप्टर में और पढ़ाई थी, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। जब आपको मैंने बताया था कि जनरेशन जब हमने पढ़ाई थी कि फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज में क्या होता था कि जो सारा का सारा डेटा होता था वो मशीन लैंग्वेज में मशीन कोड में लिखा होता था, मतलब इन द फॉर्म ऑफ जीरो एंड वन। तो कंपाइल जो हमारा कंप्यूटर है वो जीरो और वन ही समझता, बाइनरी समझता, तो हमें जरूरत नहीं होती थी उसको कन्वर्ट करने की किसी और अदर लैंग्वेज में, क्योंकि हम जो हम लिख रहे हैं कंप्यूटर उसको समझ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अब क्या होता है, हम लिखते हैं इंग्लिश में, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज में, लेकिन कंप्यूटर अभी भी क्या समझता है? मशीन लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो हमें क्या होता है, जो भी हम लिखते हैं उसको जरूरत होती है कि हम उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में, मतलब हम उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो वो हम किसके थ्रू कर सकते हैं? इंटरप्रेटर या फिर कंपाइलर, हर किसी का अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो जो हमारा सोर्स कोड है उससे हमें जिस कोड में, मतलब जिस हम मशीन लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं और उसके बाद जो बन गया, मान लो ये हमारा सोर्स कोड है, ठीक है, ये हमने कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है, जैसे हमने लिखा, जैसे इनपुट कराने के लिए लिखा ए इक्वल्स टू, मान लो हमने ये लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, एक इंटरप्रेटर होगा या एक कन्वर्टर आप कह सकते हो, वो उसको क्या करेगा, इसको 01011 ऐसे करके क्या करेगा, उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा वो। और ये वाला जो कोड अब बन गया है ये दिस इज कॉल्ड मशीन कोड। ठीक है, और ये बनाने का काम करेगा कौन? इन दोनों में से कोई एक, या तो इंटरप्रेटर होगा या फिर क्या होगा, कंपाइलर। और ये दोनों ही क्या कहलाते हैं अपने आप में? ट्रांसलेटर। ठीक है, ये क्या होते हैं? ट्रांसलेटर, जो कि मशीन लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं हाई लेवल में, और हाई लेवल को किस में कन्वर्ट करते हैं? मशीन लेवल में। इन दोनों में क्या होता है डिफरेंस? इंटरप्रेटर और कंपाइलर में ये डिफरेंस अभी बताते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली हर बार ये क्वेश्चन आता है कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर में क्या डिफरेंस है, तो उसको और अच्छे से डिस्कस भी करेंगे और आप पढ़ना भी इसको और अच्छे से। यहाँ तक समझ में आया? मैं एक बार और फिर से रिपीट कर देती हूँ, जो हमारा प्रोग्राम हम लिखते हैं, जो भी आप ये इंग्लिश कोड में लिखते हो हाई लेवल लैंग्वेज में पाइथन के अंदर या कहीं किसी भी लैंग्वेज के अंदर, तो उसको कहते हैं सोर्स कोड। बट हमारा जो कंप्यूटर होता है वो 01 के लैंग्वेज समझता है, तो हमें जरूरत होती है कि हम हाई लेवल लैंग्वेज को 01 में कन्वर्ट करें। तो वो हम किसके थ्रू कर सकते हैं? दो ट्रांसलेटर्स होते हैं, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। इन दोनों में से कोई भी एक ट्रांसलेटर जो भी होता है उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए, उसका यूज करके हम उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं, और उसके बाद जो मशीन लेवल लैंग्वेज में जो कन्वर्ट होके आता है इसको हम कहते हैं मशीन कोड। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है? बोलो। यस मैम। यस मैम। ठीक, आगे चलते हैं, इंटरप्रेटर और कंपाइलर में डिफरेंस बताती हूँ। आई एम टेलिंग यू अगेन, दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो है दोनों ट्रांसलेटर ही,
दोनों में अगर सिमिलैरिटी पूछी जाए तो दोनों की सिमिलैरिटी ये है कि ये दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करती हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में, ठीक है, मशीन कोड में. दोनों का काम यही है. बस डिफरेंस, जो मेन डिफरेंस है वो ये होता है कि जो इंटरप्रेटर होता है वो क्या करता है, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है. वो कैसे कन्वर्ट करता है बेटा, लाइन बाय लाइन, ठीक है. बट वही अगर हम बात करें उसकी, कंपाइलर की, तो वो क्या करता है, पूरे के पूरे प्रोग्राम को इन वन गो. ये तो हमने पढ़ा भी है, शायद सेकंड चैप्टर में भी था ना ये. मतलब क्या है, जैसे आपने एक कोड लिखा, ठीक है, पहले वो क्या करेगा, आपने ये वाली लाइन लिखी, आपने फिर ये वाली लाइन को वो कन्वर्ट करेगा किसमें, मशीन लेवल में. अगर ये सही है फिर वो आप नेक्स्ट लाइन लिखोगे, फिर वो उसको चेक करेगा, फिर ये सही है तो फिर आप नीचे वाली लाइन लिखोगे, फिर ये कन्वर्ट करेगा, फिर चेक करेगा, फिर नीचे वाली, नीचे वाली. और ये चेक क्या करेगा, एरर जो हमने पढ़ी है, सिंटेक्स एरर, सिमेंटिक एरर, है ना, लॉजिकल एरर, वो सारी एरर यहाँ से चेक होती चली जाएंगी, ये सही होता चला जाएगा, नीचे आता चला जाएगा, ऐसे लाइन बाय लाइन करके वो क्या करेगा, हाई लेवल को मशीन लेवल में कन्वर्ट करेगा. बट इफ इट कम्स टू कंपाइलर, तो जो पूरा का पूरा कोड हम एक साथ लिख लेंगे, अब लास्ट में जाके क्या करेंगे, इसको रन, और नीचे फिर क्या होगा, सारी की सारी एरर्स एक साथ, जो भी कहेगा लाइन नंबर 3 में ये एरर है, लाइन नंबर 5 में ये एरर है, जो भी जहाँ भी एरर होंगी वो यहाँ पर लिख कर आ जाएंगी कि लाइन नंबर 5 में ये एरर है, लाइन नंबर 6 में ये एरर, व्हाटएवर. आई बात समझ में बेटा? बोलो. यस मैम. यस मैम. यस मैम. ठीक है, कोई दिक्कत है तो वो बताओ. नो मैम. ठीक है, चले तो आगे. इसमें वैसे इसमें काफी कुछ दिया हुआ है, कंपाइलेशन प्रोसेस. अभी जब टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे ना, तब और ज्यादा इसको अभी फिर से डिस्कस करेंगे, और डीप में डिस्कस करेंगे. अभी फिलहाल इतना ही समस्या, आगे चलते हैं. वैसे तो यही है. अब इसके बाद देखो होता क्या है, हमारा जो कोड है, अभी ये दोनों में डिफरेंस समझ लेना, अभी इसको फिर से डिस्कस करेंगे और दोनों को और ज्यादा. देखो होता क्या है, नॉर्मल एक प्रोग्राम आपने लिखा, एक सोर्स कोड होता है, ठीक है, सोर्स कोड कन्वर्ट होता है बाइनरी या मशीन कोड में, उसके बाद वो जाके एग्जीक्यूट होता है, ठीक है. ये बात ध्यान रखने की है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो सोर्स कोड जैसे हम लिखते हैं वो होता है, उसके बाद वो बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद वो जाकर एग्जीक्यूट होता है, ठीक है. वो करता कौन है, हमें ये सब काम करने का ये वाला स्टेप है, ये कौन कराता है, इंटरप्रेटर या फिर कंपाइलर, ठीक है. इसमें आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसलेशन प्रोसेस, उसमें जो सबसे पहला टॉपिक दिया हुआ है वो यही दिया हुआ है, कंपाइलेशन प्रोसेस. इसके अंदर इन्होंने जो कंपाइलर है वो कंपाइल कर रहा है, ठीक है, इंटरप्रेटर इंटरप्रेट कर रहा है. तो आपका जो टॉपिक है कंपाइलेशन प्रोसेस, ठीक है, ये है टॉपिक कंपाइलेशन प्रोसेस. देखो अलग अलग बुक में अलग अलग मिल सकता है आपको, अलग अलग जगह हो सकता है कि कहीं आपको कंपाइलेशन के प्रोसेस 4 मिले, कहीं 6 मिले, कहीं 7 मिले. बेसिकली होता क्या है, देखो आपको यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है. अब हो सकता है मान लो मुझे इतना डिस्टेंस है, अब कोई वर्कर हो सकता है कि यहाँ पर इसी में ही 4 सीढ़ियाँ बना दे, हो सकता है कोई इसमें 6 सीढ़ियाँ बना दे, हो सकता है मैं 3 ही बनाऊँ. तो वो डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से दिखाना चाहते हो. बेसिकली जो तरीका है वो सबका सेम है, कि कोई क्या करता है, दो स्टेप को मर्ज करके एक के अंदर लिख के उसके अंदर उसको डिफाइन कर देता है, कोई उनको अलग अलग दिखा देता है. कहने का मतलब ये है कि अगर आप कहीं और से भी पढ़ते हो तो ऐसा हो सकता है कि जो पॉइंट्स है वो वेराय कर जाएं, कि किसी में 7 दे रखे हो, किसी में 6, किसी में 4. हमारे बुक में इसको 5 स्टेप में दिया हुआ है. तो सबसे पहला प्रोसेस, जो कंपाइलेशन प्रोसेस के अंदर इन्होंने स्टेप्स दिए हुए हैं, उसमें जो पॉइंट लिखे हुए हैं, सबसे पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है प्री प्रोसेसिंग. अभी समझाते हुए किस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे डीप में. जो सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है कंपाइलेशन. कंपाइलेशन के अंदर इन्होंने दो स्टेप दिए हुए हैं,
दो का मतलब क्या है, फ्रंट एंड और बैक एंड के अंदर। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट दिया हुआ है असेंबली। लिंकिंग और लास्ट में लोडिंग। दिखाई दे रहे हैं नीचे तक? हाँ देखो बेटा, जैसे कि ये आपका कोड है, ये लिखा हुआ है, ये हमने लिख दिया। ठीक, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगी इसकी प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग का मतलब क्या है कि जितने भी मतलब हमारे एरर्स हैं, वो मान लो जैसे अभी मैंने आपको कमेंट्स पढ़ाए थे, है ना, या फिर आपको चीजें पढ़ाई थी, जितने भी चीजें हमें चाहिए, कॉमर्स वगैरह या जो भी चीजें हमें चाहिए या नहीं चाहिए, वो उसको क्या करेगा, प्री प्रोसेस करेगा। वो चीजें देखेगा कि कौन सी चीजें हमें चाहिए कौन सी नहीं चाहिए। मान लो हमने यहाँ पर इस लाइन के बाद क्या कर रखा है, हैश लगा के कमेंट में लिखा हुआ, लेकिन जब रन होगा तब हमें ये नहीं चाहिए। तो प्री प्रोसेसिंग का मतलब है कि वो प्री प्रोसेस कर रहा है, अभी रन करने से पहले वाली, सबसे पहले वाली स्टेज में है, वो देख रहा है कि क्या चीजें मुझे रन करनी है, क्या मुझे चीजें रन नहीं करनी है। बात समझ में आ रही है? प्री, जैसे प्रीपेड मतलब पहले से पेड है ना, ऐसे क्या प्री प्रोसेसिंग मतलब प्रोसेसिंग से प्री वाली स्टेप, पहले वाली स्टेप, वो क्या कर रहा है, चीजें देख रहा है कि हमें क्या चीजें चाहिए क्या चीजें नहीं चाहिए। बात समझ में आ रही है? कितने कमेंट्स हैं, जो कमेंट्स हैं उनको रिमूव कर देगा खुद से पीछे। ऐसा नहीं है कि आपको रिमूव होते हुए दिखाई देंगे, जब कंपाइलेशन जो प्रोसेस चल रहा होगा पीछे, जो रन हो रहा है उस टाइम पे, वो क्या करेगा, चीजें हटा देगा। अच्छा हमें कमेंट्स नहीं चाहिए, हटा दो उसको, ये चीज नहीं चाहिए ये हटा दो, ये चीजें चाहिए उसको ऐड कर। तो वो सारे स्टेप क्या है, प्री प्रोसेसिंग का स्टेप। ठीक है, उसके बाद आता है कंपाइलेशन का स्टेप। कंपाइलेशन में वो क्या करता है बेटा, जैसे कि जैसे मान लो मैंने इसमें क्या किया था, यहाँ लिखा है a=2 और ऐसे करके बहुत सारे वेरिएबल्स या उनको क्या दिए, वैल्यू दिए कहीं कहीं। तो अब क्या करेगा कंपाइलेशन में, वो उन वेरिएबल्स को जो भी आपने वैल्यूज दी हैं, जो भी आपने असाइन किए हैं पर्टिकुलर वैल्यूज, वो सब चीजें, तो वो सब क्या करेगा, वो यहाँ पर काम करेगा कंपाइलेशन में। मतलब जितने भी कीवर्ड्स आपने बनाए हैं उनको चेक करेगा कि कहीं आपने कोई आइडेंटिफायर मतलब कोई वेरिएबल उस नाम से तो नहीं बना दिया जो उस नाम का कीवर्ड है। हम कीवर्ड नहीं बना सकते ना वेरिएबल के नाम को, तो वो चेक करेगा ये सारी चीजें, वो चेक करेगा किस स्टेप में, कंपाइलेशन में। कंपाइलेशन में दो चीजें होती हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड। ठीक है, फ्रंट एंड का मतलब आपको समझ में आया कि वो क्या चेक करेगा, सारे आइडेंटिफायर्स को चेक करेगा कि आपने सही से वैल्यू असाइन की है कि नहीं की है। ठीक है, यहाँ पर वो क्या करेगा, वेरिएबल्स पे काम करेगा, वेरिएबल्स के आपने कीवर्ड्स पे काम करना है यहाँ पर। हाँ बेटा बोलो। बोलो अब बोलोगे नहीं, चलो। फ्रंट एंड पे वो किस पे काम करेगा, वेरिएबल्स पे, वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करना ये सब करना। और बैक एंड पे मतलब काम यही है, मैं पहले बोल रही उन्होंने डिवाइड कर दी। बैक एंड पे हम क्या चेक करेंगे, बैक एंड पे इंटरप्रेटर या कंपाइलर क्या चेक करेगा, सिंटेक्स, कि आपने जो सिंटेक्स लिखा है वो सही लिखा है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं आपने जबरदस्ती अपनी मर्जी से कॉमा लगा दिया, कहीं में अपनी मर्जी से कुछ भी लगा दिया। सिंटेक्स पढ़ाया था ना, सिंटेक्स एरर्स जो होती है, जो पर्टिकुलर सिंटेक्स गिवन है, अगर आप वो यूज नहीं करोगे तो वो एरर कहलाएगी। जैसे मान लो प्रिंट है, ठीक है, आपने प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा है ए या हेलो, और आपने हेलो तो लिख दिया लेकिन हेलो के ऊपर इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाए, तो ये जब आप उसको रन करोगे तो कैसी एरर आएगी, सिंटेक्स एरर। या आप ब्रैकेट बंद करना भूल गए, ये सब जो चीजें हैं, ये कौन सी एरर है, सिंटेक्स एरर। तो वो कुछ स्टेप में आपको सुनने को मिलेंगी कंपाइलेशन। ठीक है, बेसिकली देखा जाए तो ये हमें तो ऐसे ही लगेगा कि ये सब एक साथ ही हो रहा है, बट वो उन्होंने डिवाइड करके बताया हुआ है कि प्री प्रोसेसिंग किसे कहते हैं, कंपाइलेशन स्टेप किसे कहते हैं, ये सारी चीजें हैं बेटा, समझ रहे हो। उसके बाद आती है गुड, उसके बाद आती है असेंबली। असेंबली का मतलब है कि हमारा जो सोर्स कोड है अब वो उसको ऑब्जेक्ट या फिर मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, ये जो स्टेप है हम इसको बोलते हैं असेंबली।
उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम करेंगे लिंकिंग। आपको याद होगा कि मैंने आपको पढ़ाया था मॉड्यूल्स, पढ़ाए थे मैथ मॉड्यूल के, आपको मान लो स्क्वायर रूट निकालना है या कुछ करना है, तो वो क्या होता है इम्पोर्ट करना। yes, ma'am. मैंने आपको कैसे बताया था इम्पोर्ट, आप क्या लिखोगे मैथ, तो आप स्क्वायर रूट या मैथ के जितने भी फंक्शन थे आप उनको यूज कर सकते हो। तो जो फोर्थ स्टेप है वो लिंकिंग का है, मतलब आपके जितने भी ऐसे कोई मॉड्यूल है उनको फाइल में इंसर्ट करने का काम या फाइल से कनेक्ट करने का काम, जोड़ने का काम वो कौन करेगा। देखो जुड़ ही तो रही है, हमारे जो भी ये थी लाइब्रेरी, ये भी जो मॉड्यूल था वो हमारे प्रोग्राम से जुड़ गया, जुड़ेगा ना तभी तो हमारे प्रोग्राम इसकी चीजें यूज कर सकते हैं। जब तक हम किसी से कनेक्ट नहीं होंगे तब तक हम थोड़े ना किसी की चीजों को यूज कर लेंगे, और हम मैथ की चीज को यूज कर रहे हैं तो इससे कनेक्ट भी तो होना पड़ेगा ना, इसीलिए इसके नाम को कनेक्शन को यूज करते हुए उन्होंने नाम दिया इसको लिंकिंग। मतलब आपके जितने भी मॉड्यूल्स हैं वो आपको फाइल में, जब आपके प्रोग्राम में उसको डालना है तो वाले स्टेप को हमने क्या बोला उसको लिंकिंग। यहाँ तक क्लियर है? मैं भी एक एक स्टेप बता रही हूँ, फिर एक साथ सारा भी बता दूंगी, सुनते जाओ ठीक है। उसके बाद क्या है बेटा, लोड। अब क्या है, आपने लिंकिंग तो कर दी, लेकिन यही चीज अभी आपके प्रोग्राम में क्या होगा, ये जो फाइल थी, ये जो मॉड्यूल था, ये क्या होगा आपके प्रोग्राम में लोड। कहीं कहीं हो सकता है कहीं बुक में ये दोनों चीजें एक साथ ही दी हैं कि भाई जब लिंक हो गया तो लोड तो होगा ही होगा, है ना, लेकिन इन्होंने दोनों को अलग अलग कर दिया कि लिंकिंग मतलब आपने प्रोग्राम को उससे जोड़ लिया, और लोड मतलब उसकी सारी फाइल्स को अपने अंदर ले लिया यूज करने के लिए, ठीक है। जब आप इसके साथ यूज करोगे ना, मान लो कैसे करके आपने पावर लिखा, तो मैथ डॉट पी ओ डब्ल्यू ए कॉमा बी, ठीक है, तो ये जो है ये क्या हो रही है लोडिंग। आपने जो पावर वाली हेड ऑफ पावर वाला क्या है फंक्शन उसको यूज करा, यहाँ पे क्या हो रहा है आपकी जो लाइब्रेरी है वो यूज हो रही है, लोड हो रही है, समझ गए बेटा। मैं एक बार फिर से पूरा सब पूरा प्रोसेस रिवाइज कर देती हूँ जल्दी से। इसमें क्या होता है, सबसे पहला प्रोसेस है प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग का मतलब क्या है कि आपका ये कंपाइलेशन, तो समझ गए ना कि पूरा का पूरा प्रोग्राम आपका एक बार में हाई लेवल लैंग्वेज से, क्या लिख देते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज से कन्वर्ट होगा किसमें, मशीन में, इन वन गो, एक बार में, इन वन गो, एक ही पूरा बार में आपका वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब वो कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने स्टेप लिखे हुए हैं। सबसे पहले क्या होगा, प्री प्रोसेसिंग होगी। प्री प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, जितनी भी चीजें हैं वो मतलब जैसे कमेंट्स हैं या और अदर चीजें हैं वो सारी चीजें प्रोसेस होंगी, कि आप वो ये चेक करेगा कि आपके ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें चलाना है या जिन्हें नहीं चलाना है। उसके बाद होगा कंपाइलेशन। कंपाइलेशन में दो स्टेप है, फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड का मतलब है वो चेक करेगा या वेरिएबल्स को आपने जो जिन भी वेरिएबल्स को वैल्यू दी है वो सारी वैल्यूज उन वेरिएबल्स को प्रोवाइड कराएगा, आपके जितनी भी चीजें कीवर्ड्स चेक करेगा कि आपने ऐसा तो नहीं कर दिया कीवर्ड्स गलत यूज कर लिए। ये बैकएंड भी क्या करेगा, मतलब बैकएंड मतलब उसको भी डिवाइड किया, उन्होंने सिंटेक्स एरर्स भी इस वाले प्रोसेस में चेक कर लेगा कि हमने कोई सिंटेक्स एरर तो नहीं करी, ठीक है। सिंटेक्स एरर मैंने बताया आपको, जैसे आपने कुछ गलत लिख दिया है जो पर्टिकुलर गिवन फॉर्मेट है उसके अलावा अगर आप कुछ भी यूज कर रहे हो तो वो सिंटेक्स एरर में है। जैसे ये वाला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, आपने इसमें मान लो प्रिंट का ब्रैकेट लगाना भूल गया, प्रिंट की स्पेलिंग गलत लिख दी, इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाए जहाँ चाहिए, कॉमा लगा दिया, ये सब चीजें सिंटेक्स एरर का पार्ट है, वो आता है यहाँ। उसके बाद होगी असेंबलिंग। मतलब क्या होगा, आपका जो ये पूरा अगर आपने चेक कर लिया सोर्स और ये वाला जो है आपका सही लिखा हुआ, इसके बाद क्या होगा, ये मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो जो स्टेप है ये है असेंबली कहते हैं उसको। उसके बाद आती है लिंकिंग। लिंकिंग का मतलब क्या है कि आपने जो भी हेड ऑफ सॉरी जो भी ये वाली लाइब्रेरी या मॉड्यूल्स यूज किए हुए हैं वो आपकी फाइल से क्या हो जाएंगे अब लिंक, मतलब उससे हो जाएंगे कनेक्ट, और लास्ट में क्या होंगे वो लोड, मतलब वो वाले जो उनके जितने भी फंक्शंस है वो सब क्या हो जाएंगे इस प्रोग्राम के अंदर लोड, ताकि हम उनको क्या कर सके बेटा यूज। इन पांच पॉइंट्स में कोई दिक्कत है तो बताओ, तो दोबारा रिपीट कर देते। No, ma'am. तो चले आगे। Yes, ma'am. मैम यूटी वन का सिलेबस क्या है? बेटा अभी डिस्कस करते हैं उस बारे में, पहले ये कंप्लीट कर दूं, ठीक है, फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके मैम, सिलेबस के बारे में अच्छा, इसमें ना एक चीज और होती है,
जैसे इंटरप्रेटर पढ़ाते हो तब बताओ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इंटरप्रिटेशन प्रोसेस। अच्छा एक चीज और बेटा, इसमें जो टॉपिक है 4.5 से क्लाउड कंप्यूटिंग और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, 4.5 और 4.6 ये आपके सिलेबस से हट चुके हैं। अभी एक और बार सिलेबस रिड्यूस हुआ था तो उसमें से इन्होंने ये दोनों टॉपिक हटा दिए। मैं आपको रिड्यूस सिलेबस का फोटो क्लिक करके भेज दूंगी, है मेरे पास, ठीक है। तो ये दोनों हट गए हैं। आपका केवल जो चैप्टर है वो 4.3 तक ही है इस चैप्टर में। 4.3 का मतलब क्या है? ये रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन रनिंग अ प्रोग्राम, बस यहाँ तक है। मतलब यहाँ ये वाला टॉपिक भी है वहीं तक, समझ गए? यस मैम। आगे के दोनों टॉपिक क्लाउड कंप्यूटिंग और वो जो कि इंटरेस्टिंग टॉपिक थे, बताने इन्होंने क्यों हटा दिए। चलो ठीक है, हटा दिए, हटा दिए। टाइम मिलेगा तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा सा बता दूंगी आपको। फिलहाल चलते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका द इंटरप्रिटेशन प्रोसेस। देखो कंपाइलेशन में क्या हो रहा है, ये है ठीक है, ये पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है वो एक बार में कन्वर्ट हो रहा है और हमारे को क्या मिल रहा है? मशीन कोड मिल रहा है एक ही बार में। तो जब हमारा एक बार ये कन्वर्ट हो गया तो अब हमें कंपाइलर के, एक बार हमारा प्रोग्राम मशीन कोड में जब कन्वर्ट हो गया तो अब तो हमारा कंपाइलर का यूज खत्म हो जाएगा ना। हमारे पास तो आ गया मशीन कोड, तो हमें बार बार कंपाइलर के पास जाने की जरूरत नहीं है कि भैया ये कन्वर्ट कर दो, भैया ये ऐसे, जरूरत खत्म हो जाएगी। तो हमारा क्या है, जो कंपाइलर है उसमें एक बेनिफिट होता है कि अगर हमारा प्रोग्राम एक बार रन हो गया तो हमें बार बार कंपाइलर की जरूरत नहीं है उस प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए। जबकि जो इंटरप्रेटर होता है उसमें क्या है, इंटरप्रेटर में कि पहले एक लाइन लिखेंगे फिर वो मशीन कोड में कन्वर्ट होगी, फिर दूसरी लाइन लिखेंगे फिर वो मशीन कोड में कन्वर्ट होगी, फिर तीसरी लाइन लिखेंगे फिर वो मशीन कोड में कन्वर्ट होगी। तो एक एक लाइन करके एक एक करके ये क्या होता है, मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या होता है, बार बार इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ती है। चाहे हमारा प्रोग्राम रन हो गया एक बार, तब भी अगली लाइन के लिए हमें फिर जरूरत पड़ेगी इंटरप्रेटर की, फिर अगली लाइन के लिए फिर जरूरत पड़ेगी, अगली लाइन के लिए फिर जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर में ये भी एक डिफरेंस है कि अगर हमारा प्रोग्राम एक बार रन हो गया है और कंपाइलर से हम यूज कर रहे हैं तो हमें फिर से कंपाइलर की जरूरत नहीं है उस प्रोग्राम को रन करने के लिए, जबकि इंटरप्रेटर की जरूरत हमें बार बार पड़ती रहती है जब भी हम उस प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक है। ये भी एक मेन डिफरेंस है। आपकी बुक में डिफरेंसेस लिखे हुए हैं, 5-6 डिफरेंस इन्होंने दिए हुए हैं, आप पढ़ के देखना। सारे पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिए हैं, आपकी समझ में आ जाएंगे। ये वाला पॉइंट जो मैंने आपको ये वाला समझाया है, ये लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है। आगे इसमें चलते हैं पॉइंट में, इंटरप्रेटर में। आपको ये समझ में आया ना, इंटरप्रेटर ये क्या करता है, इसका काम क्या है? बस इसमें कोई प्रोसेस नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। देखो प्री प्रोसेसिंग तो हो ही नहीं रही ना इसमें कुछ भी। आप तो लाइन लिख रहे हो, वो कोड में कन्वर्ट हो रही है मशीन कोड में, फिर लाइन लिख रहे हो फिर वो कन्वर्ट हो रही है। तो इसमें ना कोई प्री प्रोसेसिंग है, ना कुछ है, ना कुछ। ये सारे के सारे जो भी कंपाइलेशन के स्टेप थे वो हर बार सारे फिर से ही चलेंगे। मतलब सारा कोड फिर से चलेगा, फिर लाइन चलेगी, मतलब एक को लाइन लिखी फिर वो कन्वर्ट होगी मशीन में। तो इसी की आप इसको चाहे प्री प्रोसेसिंग मान लो, चाहे कंपाइलेशन स्टेप मान लो, चाहे लोडिंग लिंकिंग, सब कुछ एक ही लाइन में होता रहता है। मान लो इस लाइन में हम कोई मॉड्यूल ऐड कर रहे हैं तो इसमें ये चेक कर लेगा कि क्या ये आपने लाइन सही लिखी है, इसको लोड करने का काम भी कर लेगा, इसको लिंक करने का काम, सारा काम कर लेगा, ठीक है। तो इसमें अलग से कोई पर्टिकुलर स्टेप नहीं बना के इन्होंने दिए हुए हैं, सिर्फ इसमें इन्होंने इतना ही बताया हुआ है। और आगे इन्होंने 5-6 पॉइंट करके डिस्कस किया हुआ है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ठीक है ना, आगे चले। यस मैम। देखो दिस इज अ थ्योरी चैप्टर, आप इसको पढ़ोगे ना तो आपको और चीजें भी देखने को मिल जाएगी। और तो जो मैंने बताया है वो सारा ही कवर कर लेगा आपके सारे टॉपिक्स को, सारी चीजों को।
ऐसा कोई लाइन नहीं होगी जो आपको समझ में ना आए, ठीक है। और दो ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप में ही एक सब्जेक्ट है, जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ वो अपने आप में एक सब्जेक्ट है, तो ज्यादा डिटेल में अगर आप घुसोगे तो फिर कंफ्यूजन के चांसेस हैं काफी ज्यादा, ठीक है। जितना बताते जाऊंगी उतना समझते जाना, तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। वी हैव 10 मिनट्स ओनली, 10 मिनट्स में मुझे कंप्लीट करना है। देखो बेटा, आपको रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बताना है कि एक प्रोग्राम को रन करने में ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल क्या है। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इट्स एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर, ठीक है, अगर एक नॉर्मल डेफिनेशन की बात करें। अगर हम एक वैसे बात करें जनरली, अगर हम प्रोग्राम के रिस्पेक्ट में बात करें, तो अगर आपको प्रोग्राम को रन करना है, एग्जीक्यूट कराना है, तो विदाउट ओएस दैट इज नॉट पॉसिबल टू रन एनी प्रोग्राम, ठीक है। तो ओएस का काम क्या हो गया, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना कि वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। तो क्या हो गया, एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम, इसका ये हो गया काम, दिस इज द मेन टास्क, ठीक है। अच्छा, अगर एक प्रोग्राम है, मान लो ये आपने कोड लिखा हुआ है, अभी तो ये लिखा हुआ है अगर, तो वो क्या है, प्रोग्राम। बट अगर यही काम, अगर ये प्रोसेस हो रहा हो, इस पे काम कर रहे हो और ये प्रोसेस हो रहा हो, तो हम इसी को बोलेंगे प्रोसेस। अगर इस पे प्रोसेसिंग हो रही हो तो हम उसको बोलेंगे प्रोसेस, ठीक है। दोनों में डिफरेंस आ जाता है कई बार कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड प्रोग्राम। तो प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम आपने जो लिख दिया, जो सोर्स कोड आपने लिखा, वो क्या है, प्रोग्राम। और वही प्रोग्राम पे जब प्रोसेसिंग हो रही है, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टेट में है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद ओएस के चार मेन वर्क बताए हुए हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस शेड्यूलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट और आईओ मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट, आईओ मैनेजमेंट, प्रोसेस शेड्यूलिंग और है मेमोरी मैनेजमेंट। आप इनको पढ़ना, मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ होता क्या क्या है। देखो, ये मेन टास्क है ऑपरेटिंग सिस्टम के। वैसे तो देखा जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कुछ है ही नहीं, पूरा सिस्टम ही खराब है। चल, ये मेन प्रोसेस के रिस्पेक्ट में हम बात करें तो उसकी है, प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब है कि वो प्रोसेस को मैनेज करता है कि किस तरीके से प्रोसेस चलनी है। अगर आप अपने बुक में ध्यान देंगे तो बुक में एक डायग्राम इन्होंने बनाया हुआ है, स्टार्ट स्टेट, रेडी स्टेट, रनिंग स्टेट, वेटिंग स्टेट और टर्मिनेटिंग स्टेट। मतलब क्या होता है, प्रोसेस ना काम करती रहती है। जैसे सबसे पहले क्या है, वो स्टार्ट स्टेट में है कि आपने उसको क्या करा, बना लिया। उसके बाद वो किस स्टेट में, रेडी स्टेट में, कि अब हमारे जो प्रोसेस आपने बना लिया, अब वो किस स्टेट में आ गया, रेडी में, कि अब वो तैयार है चलने के लिए, ठीक है। अब वो क्या है, रन हो रही है, वो चल रही है। कई बार ऐसे भी हो सकता है कि उसमें कोई दिक्कत आ जाए या हमारा प्रोग्राम चलना रुक जाए, तो वो किस में चल जाएगी, वेटिंग स्टेट में। अब हमारे वेटिंग ये चलता रहता है, वेटिंग से हो सकता है वो रेडी में चली जाए, रेडी से रनिंग में, फिर ये चलता रहता है। बट जब हमारी प्रोग्राम रनिंग में पूरी हो गई तो वो कहाँ चली जाएगी, टर्मिनेटिंग स्टेट में। तो ये ज़्यादा मैनेजमेंट करने का काम किसका है, ओएस, एंड दैट इज कम्स अंडर प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है। आईओ मैनेजमेंट का मतलब है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेज है, मॉनिटर वगैरह, ये सब, वो सब मैनेज करने का काम भी किसका है, ओएस का। उसके बाद आती है प्रोसेस शेड्यूलिंग। मतलब प्रोसेस शेड्यूलिंग का मतलब है, मान लो 5-6 टास्क एक साथ आ गए, कि मान लो ये 3 टास्क मान लेते हैं, ये 3 प्रोसेस है एक साथ आगे, मान लो एक प्रिंटिंग का है, एक कीबोर्ड का कुछ है और ये भी प्रिंटिंग का है, मान लो 3 टास्क आ गए। तो अब कौन से टास्क को पहले कराया जाए, कौन से टास्क को बाद में कराना है, किसको कितना टाइम देना है, किसको कितने टाइम के लिए सीपीयू प्रोवाइड करना है, वो सब काम किसका है, वो सब किस में आता है, प्रोसेस शेड्यूलिंग में, ठीक है। अलग अलग टाइप की शेड्यूलिंग होती है, जैसे कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, मान लो ये 3 सेकंड की जॉब है, ये 10 सेकंड की जॉब है, ये 5 सेकंड की है,
और तीनों एक साथ आएंगे तो पहले हम इसको चलाएंगे कि भैया तू अपना काम कर और निकल, ठीक है ना। ये होती है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, ऐसे ही करके बहुत सारी शेड्यूलिंग होती है, मतलब अराउंड 5-6 शेड्यूलिंग है, वो उनको डीप में डिस्कस नहीं करना, बस आप इतना सा समझ लो कि प्रोसेस को शेड्यूलिंग करने का, कि कौन सी प्रोसेस पहले चलेगी कौन सी बाद में चलेगी, वो सब काम किसका होता है, ओएस का। उसके बाद लास्ट आता है मेमोरी मैनेजमेंट, कि मेमोरी किसको कहाँ पर मेमोरी में रखना है, किसको कितनी मेमोरी प्रोवाइड करनी है। कॉन्टिग्यूस मेमोरी होती है, मतलब कि जैसे प्रोसेस आई तो पहले प्रोसेस वन को यही प्रोसेस हो, इसके बाद प्रोसेस थ्री, इसके बाद प्रोसेस फोर, ऐसे ऐसे करके कॉन्टिग्यूस मैनर में आप मेमोरी प्रोवाइड कर रहे हो या अलग अलग कर रहे हो, कि मान लो P1 आई तो उसको यहाँ पे जगह दे दी, P2 आई उसको यहाँ दे दी, P3 आई यहाँ दे दी, अगली आई उसको यहाँ दे दी, तो वो सब मैनेज करने का काम, की मेमोरी किसको कहाँ कौन सी प्रोवाइड करनी है, वो सब काम किसके होते बेटा, OS का। आ रही है बात समझ में? ठीक है, इसमें आपको एक टर्म और सुनने को मिलेगी प्रोसेस शेड्यूलिंग में, राउंड रॉबिन, जिसमें गिवन है, मैं बता रही हूँ ना, बहुत सारे टाइप की होती है। शॉर्टेस्ट जॉब है कि तीनों आई जिससे वो सबसे कम टाइम में जल्दी खत्म हो जा रही है, उसको पहले हमने दे दिया CPU तो एक ही है ना, काम तो एक बार में एक ही होगा, ठीक है। ऐसे राउंड रॉबिन नाम की होती है एक। राउंड रॉबिन में क्या होता है कि हम सेम टाइम, मतलब इसमें अलग अलग होता है, पहले से ही बना हुआ होता है कि मान लो 3 सेकेंड देने हैं या 2 सेकेंड देने हैं एक टास्क को करने के लिए, तो पहले दो सेकेंड इसको मिलेंगे, अगले 2 सेकेंड इसको मिलेंगे, फिर अगेन से फिर अगले 2 सेकेंड इसको मिलेंगे, जबकि इसको तो 1 ही सेकेंड चाहिए, तो 1 सेकेंड का काम करके ही खत्म, फिर अगले 2 सेकेंड इसको मिलेंगे, फिर 2 सेकेंड। तो ऐसा नहीं है कि जो जिसका शॉर्टेस्ट जॉब वो आया पहले तो उसको मिल जाएगा, जबकि हो सकता है ये वाला काम ज्यादा जरूरी हो। तो इसमें क्या होता है, राउंड रॉबिन है, सबको सेम टाइम पर मिलता चला जाएगा CPU, और वो सारी प्रोसेस ऐसा लगेगा कि सारी प्रोसेस एक साथ चल रही है, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें हैं। एक और शेड्यूलिंग में एक और आपके गिवन है FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो सबसे पहले आई है उसको सबसे पहले मिलेगा। हो सकता है इसका टाइम 30 सेकेंड हो, तो यहाँ गलतियां हो जाती, मतलब यहाँ पर ये ज्यादा चलती नहीं है कि ये वाली आई पहले तो सबसे पहले इसको मिल जाएगा CPU, चाहे कितनी भी देर का हो, फिर इसको मिलेगा, फिर इसको मिलेगा। अलग अलग टाइप की शेड्यूलिंग इस तरीके से गिवन है। राउंड रॉबिन है आपके में, FCFS दी हुई थी थोड़ी सी, और शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट, यही तीन दी हुई है, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट और गिवन है, एक बार इसको पढ़ के देखना आपकी समझ में आ जाएगा। अच्छा अभी तो और भी है, सॉरी इसमें है, कितनी देर बची है हमारी क्लास ओवर होने में बेटा, 3 मिनट। चलो कोशिश करते हैं, आगे चलते हैं। आगे है वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट, IO मैनेजमेंट मैंने आपको पढ़ाई दिया ना। एक होता है यूजर इंटरफेस और एक बचा है वर्चुअल मेमोरी। देखो वर्चुअल मेमोरी का मतलब क्या होता है, ये ऐसी मेमोरी होती है, हमें लगता है कि जैसे एक बहुत छोटी बात करते हैं, मान लो जैसे मेरी रैम है, मेरे फोन की रैम है या CPU की रैम है, वो कितनी GB की होती है, मान लो 4 GB, 6 GB मैक्स आ रही है अब, पहले तो 1-2 GB की होती थी, लेकिन हमारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं, हो सकता है कि कोई बड़े बड़े गेम्स हो वो ज्यादा के हों, तो लेकिन वो भी चलते हैं ना, लेकिन और सारी चीजें रैम में आके चलती हैं, ऐसा होता है जो भी प्रोसेस होता है वो रैम में आता है तब चलता है, लेकिन हमारे जो गेम्स हैं, मान लो बड़े बड़े GB के गेम्स हैं, 10-10 GB का गेम है एक, और रैम है 4 GB की, तो वो कैसे चलता है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास जो मेमोरी है वो बहुत ही बड़ी है, और उसको जो मैनेज करने, उसी को बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी, जो एक्चुअल में मेमोरी होती नहीं है, लेकिन लगती है कि बहुत ही बड़ी साइज की मेमोरी हमारे पास है, और उसी को ही मैनेज करने का काम कौन करता है बेटा, OS, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। उसी के बाद आता है यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस का मतलब है जैसे GUI और CUI, दो यूजर इंटरफेस होते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और कमांड।